दोस्तों अफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऐसे भरना पड़ेगा। दोस्तों अफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है पहले ये समझो। अफिलिएट मतलब होता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे का प्रोडक्ट सेल करें और उसके थ्रू जो है हमको कुछ परसेंट का कमीशन मिले, इसे क्यों बोलते हैं अफिलिएट प्रोग्राम, समझे? नहीं, मान लीजिए हम किसी कंपनी से जुड़े हैं, मान लीजिए हम अमेजॉन का ही उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम अमेजॉन पे अपना एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से हम उस कंपनी से जुड़ते हैं और मैं किसी एक प्रोडक्ट को पिक करता हूँ या किसी अमेजॉन का किसी एक का प्रोडक्ट को उठाता हूँ और अपने अकाउंट पर, मान लीजिए जैसे मेरा फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, कोई भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं उस प्रोडक्ट का लिंक भेजता हूँ या उस प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करवाता हूँ तो उसके बाद जब वो बिकता है, वो प्रोडक्ट बिकने के बाद में जो कंपनी का प्रोडक्ट रहता है वो उसको जब बेचता है, वो शिपिंग कर देता है, उसके यहाँ पे पहुँचा देता है, और वो प्रोडक्ट बिक जाने के बाद में जो जितना प्राइस का होता है उसका कुछ परसेंट कमीशन जो है वो कंपनी हमको देती है, इसी को बोलते हैं अमेजॉन अफिलिएट, इसी को बोलते हैं अफिलिएट प्रोग्राम या अफिलिएट से अर्निंग करना। दोस्तों अफिलिएट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक जगह से सामान को उठाना है, दूसरी जगह पे डालना है, बेचना और बीच का कमीशन या प्रॉफिट लेना है, जिससे आप सीधा से मतलब समझ सकते हो एजेंट का काम। जैसे कि आप जानते हो जो है LIC लेते हो, LIC या जो है LIC जो जीवन बीमा करने आते हैं आप लोगों के यहाँ, सहारा हो गया, LIC हो गया, ये सब में तो यहाँ पे कौन आते हैं? वो सहारा वाली कंपनी तो आती नहीं जो है आपको जो है चलो तो आपका बीमा कर देते हैं, वैसे तो आती नहीं, वो क्या भेजती है? अपना एजेंट भेजती है। एजेंट जैसे सीधा सा मतलब आप बीच का समझ लीजिए, मेडिटेटर यानी कि बिचौलिया। तो एफिलिएट प्रोग्राम क्या है? इसमें जो है आप मेहनत करते हो, इसकी वजह से आपको कंपनी कुछ परसेंट का मुनाफा देती है, लेकिन जो दलाल होते हैं वो इधर से भी खाते हैं, इधर से भी खाते हैं, लेकिन आपका एक ही तरफ से प्रॉफिट मिलेगा, वो होगा कंपनी की तरफ से। क्यों? क्योंकि आप जो है उस कंपनी का प्रोडक्ट बिचवा रहे हो, यानी कि जो है एजेंट का काम कर रहे हो, बिचवा रहे हो, तो आपको कुछ परसेंट का कमीशन देता है, इसी को बोलते हैं अफिलिएट प्रोग्राम। तो दोस्तों अफिलिएट प्रोग्राम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लिंक द्वारा अफिलिएट कर सकते हैं, ईमेल द्वारा अफिलिएट प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अफिलिएट प्रोग्राम प्लेटफॉर्म हैं जो आपको अफिलिएट प्रोवाइड करती है कि आप जो हमारे कंपनी से जुड़ के आप अपना अफिलिएट अकाउंट बना के और मेरे प्रोडक्ट को बिचवा के और बीच का जो है कमीशन आप ले सकते हो। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं कैसे इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अफिलिएट प्रोग्राम को। दोस्तों अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले उस कंपनी के बारे में आपको चेक करना है कि वो जो है आपको अफिलिएट प्रोग्राम ऑफर कर रही है कि नहीं, या अफिलिएट प्रोग्राम बनाने के लिए, अफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए आपको जो है ऑप्शन दे रही है कि नहीं। जैसे कि अमेजॉन में जो है अफिलिएट प्रोग्राम बनाने का ऑप्शन दे रही है, तो वहाँ पे जो है आप अमेजॉन का अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से भी अर्निंग आप कर सकते हो। जैसे कि आप जान लीजिए, मान लीजिए अगर आप जो है इंडिया में नहीं करना चाहते हो, वो फॉरेन कंट्री में करना चाहते हो, जैसे कि USA हो गया, आप जो है डॉलर में अर्निंग करना चाहते हो, तो आपका जो है क्लिक बैंक एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जो है अफिलिएट प्रोग्राम बना सकते हो, अफिलिएट अकाउंट बना के वहाँ से जो है अपना जो प्रोडक्ट पिक करके वहाँ से जो है आप जो है यूनाइटेड अमेरिका में या USA में उसको सेल कर सकते हो। सेल करने के बाद में आपको जो अर्निंग होगी, जो प्रॉफिट होगी, वो आपको डॉलर में मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया में करोगे तो आपको यहाँ इंडियन करेंसी के रूप में मिलते हैं। ईमेल का होता है एक, जो है अभी लिंक वाला हो गया, एक ड्रॉप शिपिंग वाला हो गया, मतलब कई प्रकार के भी अफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। तो अगर आप बोलोगे तो हर एक बारे में मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। साथ में मैं अभी तो वैसे मैं आपको बताया हूं कि अमेजॉन का कैसे आपको भरना है, अगर आप नहीं जो है अमेजॉन अफिलिएट का अकाउंट नहीं बना पा रहे हो तो नीचे कमेंट करना, उस पर मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा कहाँ कहाँ पर किस फॉर्म में कैसे भरना पड़ेगा, क्या चीज़ें डालनी पड़ेंगी, तब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। वही दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।